कोई नहीं माती मेरा ना मेरी मझधार हो जा अंधे सा ससुर की सेवा Oh,
वापस राज तुम्हारा दिया। यह दो वचन पूरे हुए तो तीसरे भी ले ले। हरितरी कोक से, हरितरी कोक से पैदा होगा तुझको सावित्री। क्या आपने मुझे तीनों वचन सचमुच में दे दिए? बिल्कुल दे दिए महाराज। हाँ। बहुत खुशी की बात है। अच्छा, अब कि मेरे तीनों वचन खुशी की बात है तो चढ़ जा खाना आ गए थे महाराज। घड़ी देर लेट करवा दी तेरे मारा धर्मराज हमें महाराज। बिल्कुल जा पतली गली से महाराज। पतली गली से मैं नहीं, पतली गली से तो आप जाएंगे। मैं तो जब भी जाऊंगी तो आगे दुश्मनी हट जाएगी महाराज। मैं तो आपके आगे से हट चुकी हूँ, लेकिन जाने से पहले मुझे मेरे पति के प्राण दे जाइए। क्यों क्यों? कैसी बातें करते हो महाराज? इतने अनजान बनने की जरूरत नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि जो मैंने तीन वचन आपसे मांगे थे महाराज, पहला वचन महाराज मैंने अपनी सास ससुर की आंखों का उजियारा मांगा। दूसरा वचन जो छल कपट से राज छीना था दुश्मनों ने वो मांगा। और महाराज तीसरा वचन मैंने अपनी ही कोख से पुत्र प्राप्ति का वचन मांगा। फिर क्या दिक्कत है? क्या दिक्कत? बगैर सत्यवान के ना होएगा का महाराज। मैं एक पतिव्रता नारी हूँ और पतिव्रता नारी होने के ही कारण आपसे पूछ रही हूँ महाराज। क्या मैं बिना पति के कैसे पुत्रवती हो सकती हूँ? पतिव्रता महाराज, या तो आप अपने वचनों को पूरा कीजिए। अगर आप अपने वचनों से मुकर जाना चाहते हैं तो मुकर जाइए महाराज, लेकिन सत्यवान के प्राण के साथ मेरे भी प्राण ले जाने होंगे आपको। सावित्री। हाँ। आज तने यम के जो दूत है ना, कटकड़े में घेर के खड़े कर दिए। हकीकत में तू भारतीय नारी है और पतिव्रता भी है और तेरे अंदर यश और भक्ति है। आज स्वयं यमराज को भी तूने हरा दिया, तेरे लिए मैं नमन करता हूँ। अरे तेरी को पैदा होगा, तेरी को पैदा प्यारा दिया, तेरी को पैदा होगा, तेरी को पैदा प्यारा दिया। ख्याल करो हर राम फैसले, ख्याल करो हर राम फैसले, अकल ठिकान लाओ रे, बिना पति कैसे पतिवरता पे बेटा हो समझाओ रे। हे यमराज वचन हारोड़ा मेरा पति। Oh, yeah.